बैठकर बात करेंगे। आप हम लोगों के साथी हैं, नेता हैं, और जिनका नाम देश में नहीं विदेश में पूरी दुनिया में चलता है। यहां से हमारे उम्मीदवार आदरणीय गिरिराज बाबू और यहां हमारे साथ में आए हैं मेरे छोटे भाई, 3 साल 3 बार से पार्लियामेंट के लोकसभा के सदस्य रहे हैं, समस्तीपुर से 4th बार क्या कहते हैं कि लड़ रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ हमारे दाएं तरफ में सम्राट चौधरी हैं, बहुत ही क्रांतिकारी हमारे साथी हैं। लगातार हम लोग जो है दोनों भाई जो है घूम रहे हैं। मंजू वर्मा जी हैं जो एमएलए भी हैं, विधायक भारत बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। अनिल चौधरी जी हैं जो हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक हैं, आज जो यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं। भूमिपाल जी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं जदयू के। संजय सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा के। प्रेम कुमार पासवान हैं, जिला अध्यक्ष लोजपा के। सुनील गोस्वामी जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष। राम प्रकाश चौधरी हैं, सुबोध शाह हैं, ब्रजेश प्रसाद हैं, मनोज सहनी हैं, विकास कुशवाहा हैं, पूर्व मंत्री ये पूर्व विधायक श्री कृष्ण सिंह जी हैं, पूर्व मेयर संजय सिंह जी हैं, संजय यादव हैं, विनय सिंह जी हैं, पंकज सिंह जी हैं, विपिन मिश्रा हैं, निरंजन सिंह जी हैं मुखिया, रामनरेश आजाद हैं, धर्मेंद्र हैं, महेश्वर बाबा हैं, मोहम्मद असलम हैं, दासो पासवान हैं, आजाद सहनी हैं, शशि भूषण वर्मा हैं, बार पासवान हैं, माला देवी जी हैं, नरेश पासवान, पंकज पासवान, कुंतांची सजदार पासवान, घनश्याम सिंह, अमर कुमार अमर, देवानंद कुशवाहा, विनीश पासवान, सचिन सहनी, रामविलास सहनी, मुकेश सिंह, नवीन कुमार, शिक्षक नेता अरविंद गुप्ता, देवान सदार, अनिल सिंह, निरंजन सिंह, नरेश यादव, और हमारे बहुत ही मतलब दो हमारे, एक तो हमारे जो है जहाँ से राजनीति हम शुरू किए थे यहाँ गढ़पुरा से, तो हमारे जो है अपने फुफेरा भाई दयानंद जी पासवान जी भी हैं, और दूसरा उस समय में हमको पढ़ाए भी थे, और उसके बाद जो है सचिव सोशलिस्ट पार्टी के युवा के नेता भी थे। उसमें जो है आनंदी सहनी जी हैं, और यहाँ सभी उपस्थित माताओं बहनों भाइयों, एनडीए के साथियों, पत्रकार बंधु, देखिए ये चुनाव जो है ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव ना तो गिरिराज बाबू का है, न रामचंद्र पासवान का है, ना मेरा है, या सम्राट चौधरी का है। ये चुनाव देश का चुनाव है कि देश हमारा जो है देश में कैसी सरकार चाहिए। आज आप एक तरफ देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सारे नेता एकजुट हैं, और दूसरी तरफ में क्या है, दूसरे तरफ में राहुल गांधी आता है तो लालू जी तो जेल में है। राहुल गांधी जो है वो ये तेजस्वी को भी मंच पर आने नहीं देता है, अकेले घूम रहा है, लालू जी को भी नहीं आने देता था। तो दूसरे तरफ में नेता कौन है, उधर सपा बसपा अलग लड़ रही है, ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, नवीन पटनायक अलग लड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, हर 10 लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, जिसके पास में एको नहीं है एमपी, वो भी कहता है हम भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। मतलब चोचो का मरपा है क्या, ये देश है मखौल है कोई क्या, हर इतना बड़ा देश है उस देश में प्रधानमंत्री बनना कोई बच्चा का खेल है। आज पिछले 5 साल पहले कोई जानता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है,
विदेश में जाता था, चुपचाप चला आता था, किसी को अमेरिका इंग्लैंड किसी को मालूम नहीं था। और पिछले 5 साल में यदि आप देखेंगे, जब से नरेंद्र मोदी क्या करने के बने हैं प्रधानमंत्री, पूरा का पूरा जो दुनिया है, आज जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं हमारे पास में आंकड़ा है, एक नहीं दो नहीं लाखों की संख्या में क्या करते हैं कि लोग आते हैं। तो आज लड़ाई इस बात की है, लड़ाई कोई कैंडिडेट का नहीं है, और यहां कौन कैंडिडेट है। ये जो होता है ना, कभी कभी आप देखते हैं जो होता है, क्या कहते हैं कि है कहां से कहां लोग जो है मेधक के सामान जो है बरसात का पहुंच जाता है। लड़ाई कहां है, वो आए हैं लोग।